नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास विद कार्तिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपने मोरपंखी यानी कि तहोजा प्लांट के समर केयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, गर्मियों में आपके पौधों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसे हम लोगों को लगती है, वैसे पौधों को भी गर्मी लगती है। तो आपको इनको समय समय पर पानी देना है और आपको इसको सही समय पर छाई पर रख देना है। यानी कि आप इसको दोस्तों सुबह की ही धूप दें, अगर आप इसको शाम की धूप भी दे सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन आपको इसको दोपहर की धूप नहीं देना है। आप इसको सुबह धूप में रख सकते हैं, उसके बाद इसको आप कहीं छांव में रख लीजिए। सही समय पे आप इसको छाया पे अगर रखेंगे तो आपके पौधों में आप अपना असर देख सकते हैं, और पेड़ों पर किनारों पर अगर आप इस पर शेड रख सकते हैं यानी कि ग्रीन नेट पर आप इसको रख सकते हैं शेड में, तो बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों, दूसरी टिप जो है वो है सही समय पर पानी दीजिए। गर्मी के मौसम में पौधों को पानी देने का सबसे बढ़िया समय या तो सुबह या तो शाम, क्योंकि इस समय पानी ठंडा रहता है। बागवानी करने का उचित समय सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप अगर इसको सुबह सुबह पानी दे देते हैं गर्मियों में, सुबह दोस्तों 5 बजे मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि गर्मियों में 7 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप इसको सुबह जितना जल्दी हो सके उतना पानी दे दीजिए, या तो शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी इसमें पानी दे सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको सुबह 7 बजे तक पानी वैसे दे सकते हैं, लेकिन आप जैसे धूप हो जाए तब आप इसको पानी मत दीजिएगा दोस्तों, उससे आपके पौधों में नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, तीसरी टिप है थोड़ी मात्रा में पानी का छिड़काव करें। यानी कि दोस्तों, आप अपने पौधों के ऊपर भी पानी का छिड़काव करें, रूट रूट में नहीं सिर्फ पौधों पे भी छिड़काव करें, जिससे कि स्टोमेटा जो होता है प्लांट का वो ओपन हो सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो सके। इसलिए पौधों के ऊपर आपको स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारी अगली टिप है वो है मिट्टियों की नमी का ख्याल रखें। मिट्टी की नमी का ख्याल रखना है दोस्तों आपको। आपको ये देखना है कि मिट्टी की नमी किस प्रकार की है। आप इसको टच करके देख सकते हैं, अगर टच करने पे आपका हाथ अंदर तक जा रहा है मतलब कि मॉइस्चराइज मिट्टी है आपकी और वो ठीक है इसके लिए। और अगर मिट्टी करने पे आपका हाथ बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि मिट्टी आपकी हार्ड हो चुकी है और मिट्टी को पानी की ज़रूरत है। इसलिए आपको मिट्टी को टच करके जान लेना है। ये दोस्तों हमारा तहोजा का प्लांट है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है वो हल्की सी सैंडी है, यानी कि पानी इसमें रुकता है और काफ़ी दिनों तक रहता है। इसीलिए ये देखिए ब्राउन कलर की है, ये वाइट कलर की मिट्टी नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों आपको इसके पानी का विशेष ध्यान रखना है। और इसके सॉइल के मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया था, आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है, और इसमें देख सकते हैं आप छोटे छोटे अभी फ्लावर निकले हैं और यही सीड बन जाएंगे बाद में। तो दोस्तों, अगली टिप है जो हमारी वो है पानी की गहराई आपको देखनी है कि ये पानी अंदर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, और आपको ड्रेनेज होल देख लेना है कि आपका ड्रेनेज होल सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो आप अपने ड्रेनेज होल को खोल लीजिए। और दोस्तों, आप पानी का विशेष ध्यान रखिएगा गर्मियों में कि पानी आपका ओवर वाटरिंग ना हो, और ज़्यादा पानी ना हो और कम पानी भी ना हो, ये आपको बहुत ही संतुलन गर्मियों में बनाए रखना है। और दोस्तों, अगला जो है वो है खाद का उपयोग करें। पानी के अलावा खाद हमारे पौधों को स्वस्थ एवं नम बनाए रखते हैं। खासकर फल और फूल वाले पौधे को आप इस खाद को घर पर आसानी से बना सकते हैं या फिर बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, जो कि है दोस्तों हमारी गोबर की खाद। गोबर की खाद दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये देखिए गोबर की खाद है दोस्तों ये। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसको हटा लीजिए, अगर आपको हटाना है तो। अपने ऊपर ऊपर की मिट्टी को हटाने के बाद आप इस खाद का उपयोग करें। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी हटा लेता हूं दोस्तों, और फिर इसमें खाद डालता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट की जो है मिट्टी हटा ली है, अब इसमें हम लोग पूरी गोबर की खाद डाल देंगे। गर्मी में दोस्तों खाद की बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये पौधों में नमी बनाए रखती है और काफ़ी अच्छी इसमें हमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं। इसलिए आप खाद ज़रूर दें, हफ्ते में एक बार आप दे सकते हैं, उससे आपके पौधों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने खाद डाल दी है अपने पौधे में,
और बस ये हो चुका है। अब इसमें पानी हम शाम को डाल देंगे और इसके पानी का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि अब इसका पानी ओवर वाटरिंग ना हो सके, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम इसको अब रखेंगे दोस्तों, क्योंकि गर्मी आ चुकी हैं, गर्मियों में पौधे काफ़ी नाजुक हो जाते हैं और ये डेड भी हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ही बचा बचा के अपने पौधों को रखना होता है, क्योंकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से अपने पौधों को हमको देखभाल से रखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप भी ये टिप्स फॉलो करिएगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।